जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पर जानकारी देने के लिए मुझसे बोला है। इंस्टाग्राम के वहाँ पर जो डीएम्स होता है वहाँ पर बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि अगर हमारा गलत चालान कट गया है तो हमें क्या करना चाहिए, आप सीधे सीधे बताइए। तो मैं आपको इस वीडियो पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपका भी एक इलीगल गलत ट्रैफिक चालान कट गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको ये जानकारी जो मैं देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन कौन कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन कौन जरूर जरूर ऑन करिए, नहीं तो हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक नहीं पहुंचेगी। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक करने में कंजूसी करते हैं आप लोग, लाइक किया करें भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी। आइए आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। देखिए, अगर आपका किसी कारणवश गलत ट्रैफिक चालान कट गया है, चाहे वो आपकी गलती हो या फिर ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, जिसने आपका चालान काटा है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका गलत चालान कट गया है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कभी कभी देखिए कि ये आपको मानना चाहिए, कभी कभी आपकी भी गलती हो सकती है, कभी कभी आप ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उनकी गलती होती है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ट्रैफिक चालान कट जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे आपका ट्रैफिक चालान कटा तो आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए, एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और एसपी ट्रैफिक के नाम लिख लीजिए, एक एप्लीकेशन एसपी ट्रैफिक के नाम लिखिए, उसमें बाकायदा बताइए कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से एक ट्रैफिक चालान मेरा कटा है और ये इलीगल है, गलत ट्रैफिक चालान कटा है, क्योंकि मेरे पास सारे दस्तावेज अवेलेबल थे, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वो चीज़ उसमें आप एप्लीकेशन में मेंशन करिए, लिख लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन आपने लिख लिया, सारी चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद में आपको विजिट करना है कहाँ पर, वो बता देता हूँ आपको। आपको ये वहाँ पर लेटर लेकर जाना है ट्रैफिक कमिश्नर के ऑफिस में, या फिर एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में, या फिर संबंधित आरटीओ अधिकारी के ऑफिस में, वहाँ पर आपको विजिट करना है। आप जो भी आपके ज़िले में हो, आपके नियरेस्ट हो, वहाँ पर पहुँच जाइए। चाहे तो आप एसपी ट्रैफिक ऑफिस में जाइए, या फिर ट्रैफिक कमिश्नर जो होते हैं उनके ऑफिस में चले जाइए, बेहतर होगा। और ये सब नहीं है आपके ज़िले में, आपको नहीं जानकारी है, तो आप संबंधित आरटीओ अधिकारी के जो ऑफिस होता है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ही एप्लीकेशन जाकर सबमिट करिए और उनको अपनी विषय पर पूरी जानकारी दे दीजिए। अब अगर वहाँ से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे जो लोक अदालत होती है वहां पर चुनौती की देना है इस ट्रैफिक चालान को, इलीगल जो चालान कटा है। आपके यहाँ पर लोक अदालत लगती है, वो आपको पता करना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब लोक अदालत लग रही है, वहाँ पर पता कर लीजिए, या फिर सेशन जो दीवानी होती है, सेशन सत्र न्यायालय जो होते हैं वहाँ पर पहुँच जाइए, जिला अदालतें जो होती हैं वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर जाइए और एक सबसे बेहतर होगा आप एक लॉयर को हायर करें, एक वकील को आप वहाँ पर नियुक्त करवाएं, और उनसे यहाँ पर इस विषय पर पूरी चर्चा करें, और वहाँ पर केस वगैरह एक फाइल करवाएं, क्योंकि आपका इलीगल चालान कटा है। तो एक कंप्लेन लेटर जरूर लिखें, इसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें, और वहां से आप सीधे लोक अदालत या फिर जिला अदालत में विजिट करके एप्लीकेशन को सबमिट करिए, वहां पर एक केस को फाइल करवाइए। अब केस जैसे ही फाइल होगा तो आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको एक दो हियरिंग के लिए हो सकता है बुलाया जाए, और आपका वहां पर केस सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप सही होंगे तो। अभी ध्यान से ये सुन लीजिए, सबसे पहला कि अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका चालान बिल्कुल ही माफ कर दिया जाता है, और ये माफ करने का अधिकार किसे है वो भी बता देता हूँ। केवल जिला अदालत जो लोक अदालत होती है उसको, या फिर संबंधित जो प्राधिकारी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एसपी ट्रैफिक, या फिर जो ट्रैफिक कमिश्नर हैं वहाँ पर आप विजिट करके उन्हीं को साथ में आप सारी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, तो उन्हीं के हाथ में आपका चालान को माफ करना, बाकी और किसी के हाथ में नहीं होता चालान कटने के बाद कि आपका चालान रद्द या माफ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी, अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका चालान माफ़ भी किया जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही नहीं पाए जाते हैं, कोई आपके साथ दिक्कत है, कहीं पर भी त्रुटि होती है आपसे, तो ये ध्यान समझिए कि आपका चालान भी दोगुना कर दिया जाता है। जैसे कि 5,000 रुपये का चालान कटा है जिसके लिए आप चक्कर काट रहे हैं कोर्ट्स का, तो वो 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, नहीं तो पकड़े जाने पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो सही रहें अपनी तरफ से, एक बिल्कुल आप एग्जैक्ट सही हैं, सारे सबूत आपके पक्ष में हैं, तो आप चालान को रद्द या माफ़ करवा सकते हैं। ये है पूरी जानकारी। वीडियो कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक मैं देना चाहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर @ टेक्निकल आलोक जी,
एक्स पर एट द टेक्नोलॉजी, फेसबुक पेज पर एट द टेक्नोलॉजी, और साथ साथ वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर जुड़कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपका बहुत फायदा होगा फ्यूचर में भी। ठीक है, यहां तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। अभी तक लाइक करके वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखा आपके प्रेम पूर्वक बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल की गहराइयों से जय हिंद, वंदे मातरम।